वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और यहाँ पे हम कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है, यहाँ पे अलग अलग स्लाइड जो रोटेशन हो सकती है यहाँ पे साइनपिंग स्टूडियो में, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट कराने वाले हैं। तो इमेज को इंपोर्ट कराने के लिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके इम्पोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उससे अपने पास बहुत सारे ऑप्शन जो है, बहुत सारी इमेज ओपन हो जाएगी जो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर होगी। वो लैपटॉप को हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज जो है दिखाई देगी, उसमें से आप उसको इंपोर्ट करवा लो। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस आई, उससे भी तुम डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करवा सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पे है कि ये इमेज जैसे इंपोर्ट होती है तो वो अलग अलग साइज़ में आ सकती है। डायरेक्टली जैसी इमेज होती है वैसी इमेज वो नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि वो जूम जो है, मतलब कि पूरी जूम फॉर्म में आएगी, तो तुम्हें उसको छोटा करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी इमेज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, तो मैंने उसको क्या किया, छोटा कर दिया। देखो इसमें जो इसका जो टूल है, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म छोटा करने का ट्रांसफॉर्म टूल, उससे हम छोटा कर सकते हैं। तो मैंने उसका जो यहाँ पे यूटिलाइज़ किया हुआ है, सॉरी स्केल टूल है, उसका नाम स्केल टूल, ठीक है। तो उससे मैंने छोटा कर दिया। अब ये जो इमेज है अच्छे से बन गई। मैं फिर से दूसरी इमेज ले लेता हूँ, और उसके लिए फिर से वही काम, वही प्रोसेस करनी है। फाइल में जाके इम्पोर्ट करेंगे तो अपने को दूसरी इमेज मिल गई। यहाँ पे मैंने एक अच्छा एक नेचर का नज़ारा लिया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहा हूँ। फिर वो मेरा जो है वो भी अच्छे से आ गया। अब मैं यहाँ पे तीसरी इमेज ले रहा हूँ एक टाइगर की। तो टाइगर जो है बहुत बड़ा जूम में मेरा आया था, तो मैंने उसको स्केल टूल से उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो पहले वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, तो मैंने उसको फिर छोटा कर रहा हूँ। तो मैंने इसको छोटा ऐसे, देखो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे तुम्हें छोटा करना पड़ेगा। तो ये अच्छे से पहले आप जो उसकी लेयर है, लेयर के हिसाब से उसकी साइड जो साइज़ है उसे सेट कर दो। और फिर एक नेक्स्ट इमेज ले गए हम। टोटल चार स्लाइड यहाँ पे बताई गए उसका, यहाँ पे मैं उसको मूविंग करवाने वाला हूँ। तो यही तुम्हारा प्रैक्टिकल भी है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैंने लास्ट इमेज यहाँ पे ले ली एक फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स यहाँ पे आ चुके। फ्लावर्स भी मेरे जो है झूम के फॉर्म में आए थे, तो उसको भी मुझे जो है उसका स्केल रेशियो जो है वो रेशियो छोटा करना पड़ेगा। तो ये इसका मैंने रेशियो छोटा कर दिया। तो ये रेशियो है वो छोटा होने के बाद एक अच्छी सी इमेज दिखाई दे रही है आपको। अगर आपका नहीं दिखाई देता हो तो आप यूट्यूब में जाके 360 पिक्सल पे आप क्लिक कर दो। अभी आपका 144 चल रहा होगा या 240 चल रहा होगा, तो आप 360 पिक्सल पे आप क्लिक करके उसका जो है देख सकते हो अच्छे से। और तो यहाँ से इस तरह से हमने क्या किया कि सभी पिक्चर अपने यहाँ पे सेट हो गई है, और अपने को यहाँ पे फाइल अपनी जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। तो और भी अगर हमें पिक्चर लेना है तो हम भी और भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे कि अब मैं एक और पिक्चर जो है डेजर्ट का ले रहा हूँ, तो टोटल में चार, मैंने आपको पहले बताया कि मैं चार पिक्चर यहाँ पे बताऊँगा। तो मैंने एक यहाँ पे पहले वाटरफॉल, फिर एक टाइगर, फिर फ्लावर्स और अब डेजर्ट। तो डेजर्ट का एक मैं फ़ोटो यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहा हूँ। इंपोर्ट करवाने के लिए एक शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी, कंट्रोल प्लस आई, उससे भी आप कर सकते हो। तो ये देखो डेजर्ट मेरा पहले जूम फॉर्म में आया था, तो मैं उसको स्केल टूल से छोटा कर दूंगा, और एक अच्छा नज़ारा जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वो भी हम उसको छोटा करेंगे, थोड़ा स्केल रेशियो उसका छोटा कर देंगे, तो अपने आप वो छोटा हो जाएगा। उसको धीरे धीरे स्लाइटली वो छोटा होता जाएगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, आपको ऐसे ही उसको छोटा करना है, ठीक है। डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल रहा है, कभी कभी वो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा तो आपको थोड़ा बड़ा कर देना। जैसे देखो यहाँ पे ये थोड़ा छोटा और हो गया, तो मैंने उसको और बड़ा कर दिया। तो इस तरह से उसको फिट कर देना है लेयर के हिसाब से। फिर हमें क्या करना है, जो लास्ट डेजर्ट वाला जो था पिक्चर, उसका मैंने सामने टाइम बार के अंदर जो अमाउंट है उसमें क्लिक करना है। अमाउंट में 1 के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करोगे फिर कन्वर्ट का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक जाकर फिर कन्वर्ट में जाके हमें कर देना है उसमें टाइम स्वाप। तो टाइम स्वाप करोगे तो उसके अंदर टूल खुल जाएगा, उसमें बिफोर आफ्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें से हमें आफ्टर जो है वो 0 कर देना है, और टाइम जो है पहले के लिए हम जो यहाँ पे सेट करेंगे जो है वो यहाँ पे टाइम में आपको बता रहा हूँ कि टाइम हम यहाँ पे कितना रखने वाले हैं। हमें 2-3 चीज़ें यहाँ पे जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया मानो कि 5 सेकेंड। तो पहले के लिए मैं कितना लिख रहा हूँ, 5 सेकेंड जो है मैं टाइम लिखूंगा, तो उसको चेंज कर देंगे। फिर हम फ्लावर पे क्लिक करेंगे। फ्लावर पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें अमाउंट आएगा, उस पर राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे तो जैसे ही उसमें राइट क्लिक करेंगे तो टाइम स्वैप ले लेना है। टाइम स्वैप जैसे ही हो जाएगा उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो उसका टूल ओपन हो जाएगा। फिर बिफोर आफ्टर में से हमें आफ्टर में जाके उसको 0 कर देना है। फिर टाइम जो है यहाँ पे हमें जो है, पहले हमने 10 सेकेंड लिया था, तो यहाँ पे हम टाइम जो है वो बढ़ा देंगे, सॉरी 5 सेकेंड लिया था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 10 सेकेंड ले सकते हैं।
और आपको जो आपकी इच्छा आप टाइम रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो 10 सेकंड ही लो। मैंने यहाँ पे जो है 10 सेकंड लिया हुआ है, ठीक है। तो ये टाइम जो आप दे रहे हो आपको याद रखना है। फिर तीसरे पर क्लिक करेंगे, तीसरा जो मेरा था यहाँ पे टाइगर, ठीक है। तो टाइगर पे मैं क्लिक करूँगा तो उसमें अमाउंट है, फिर से खुलेगा, ओपन होगा, उसमें टाइम स्वैप कर लेंगे। टाइम स्वैप का ऑप्शन देने के बाद फिर आफ्टर पे जाके उसको जीरो वैल्यू असाइन कर देंगे। जीरो वैल्यू असाइन करने के बाद टाइम पूछेगा, तो टाइम हम पहले 15 सेकंड रखेंगे इसके लिए, क्योंकि आगे हमने 10 सेकंड दिया हुआ था। तो 15 सेकंड यहाँ पे हो जाएगा 15 सेकंड। फिर दूसरा जो है 15 सेकंड रखने के बाद वो हमें लास्ट वाला जो मेरा पिक्चर जो था उसके लिए जो यहाँ पे वोटर का था, तो उस पर मैं हमें अमाउंट फिर से चेक करूँगा, उसका टाइम स्वैप कर दूँगा। कन्वर्ट में जाके राइट क्लिक करके फिर उसके अंदर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आफ्टर में हमें वैसे जीरो असाइन कर देगा उसकी वैल्यू, और फिर जो टाइम जो है उसके लिए मैं यहाँ पे 20 सेकंड रखता हूँ, ठीक है। तो 20 सेकंड में यहाँ पे टाइम उसका जो है सिलेक्ट कर दूंगा, और 20 सेकंड मुझे यहाँ पे इसके लिए रखने हैं। आपको टाइम एक बात याद रखना है, टाइम इंटरवल आपको बढ़ाते जाना है। पहले के लिए 5, फिर दूसरे के लिए 10, तीसरे के लिए 15, तो चौथे के लिए 20 सेकंड आपको रखने हो गए, ठीक है। इस तरह के पूरा जो आपने जो जो वेरिएबल थे आपने चेंज कर दिए, तो वेरिएबल चेंज कर दिए। फिर आपको काम करना है कि सभी को जो अमाउंट है उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है ब्लेंड मेथड का, सभी की ब्लेंड मेथड से उसका कंपोजिट में जाके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं, उसके ऊपर क्लिक करना है डबल क्लिक, तो उसमें उसका बार ओपन हो जाएगा और उसमें हम स्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने आगे के प्रैक्टिकल में स्ट्रेट ऑन टू लिया था, वैसे यहाँ पे हम स्ट्रेट ले गए। तो सभी में देखो मैं यहाँ पे स्ट्रेट ले रहा हूँ, देखो डबल क्लिक करके स्ट्रेट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सभी पिक्चर के लिए स्ट्रेट लेना है। ब्लेंड मेथड सबकी चेंज करनी पड़ेगी, तभी पिक्चर जो है लाइन वाइज दिखाई देंगे, ठीक है। तो सभी का मैंने क्या कर दिया, ब्लेंड मेथड चेंज कर दिया, और सभी का अब क्या हो चुका है, वो अब वो जो नज़र आ रहा है वो सभी में चेंज होके स्ट्रेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, कैनवास में जाके कैनवास को ओपन करना है, उसके अंदर प्रॉपर्टी, उसमें जाके ये टाइम जो है वो एंड टाइम वो चेंज करना होगा। वो मैं 30 सेकंड यहाँ पे, पहले मैं 25 सेकंड रख रहा हूँ, फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसको। तो 25 सेकंड के बाद अप्लाई करेंगे, फिर हम उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक जैसे हम करते हैं तो देखो कि उसका टूल ऐसे ओपन होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रीव्यू चेक करके आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रीव्यू बटन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे प्रीव्यू, तो ऐसा बार ओपन हो गया। फिर उसको हम प्ले करेंगे तो देखो ये अच्छे से पूरा पिक्चर जो है, पहला पिक्चर वो, दूसरा पिक्चर वो 5 सेकंड के हिसाब से इंटरवल में वो बदलते जाएंगे, तीसरा पिक्चर जो टाइगर का था वो टाइगर का आ गया। तो इसी तरह से जो है पिक्चर्स, ये वाटर का जो था ये भी आ गया। तो इसी तरह से ये पिक्चर जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 5 सेकंड 20 सेकंड में ख़त्म हो रहा था, तो 5 सेकंड क्या होगा, तो पूरा ब्लैंक दिखाई देगा। देखो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा टाइम दिया था इसलिए 25 सेकंड का, तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा चेंज करके बता देता हूँ। फिर से कैनवास में जाओ, फिर से टाइम एंड टाइम पे जाके आप 20 सेकंड कर दो। तो 20 सेकंड करने के बाद अप्लाई करके ओके दबा दो, या तो अप्लाई करके क्लोज कर दो, ठीक है। अप्लाई करके यहाँ पे 20 सेकंड जो है वो फ्रेम रेट आपको चेंज करना पड़ेगा, 20 सेकंड आपको कर देना है। तो 20 सेकंड करके अप्लाई करना है, ओके पे क्लिक करना है, और जैसे ही वो ओके पे क्लिक कर दोगे फिर से आप प्रीव्यू चेक करोगे, फिर से वो जैसे मैं प्रीव्यू चेक कर रहा हूँ और फिर से मैं उसको प्ले करूँगा यहाँ पे, तो वो जैसे चालू होगा तो देखो आप देख सकते हो 5 सेकंड में पिक्चर बदल रहे, चारों पिक्चर जो है कवर हो जाएंगे। और जैसे फोर्थ वाला पिक्चर जैसे वो ख़त्म होगा, तब वहाँ पे जो है फोर्थ पिक्चर ख़त्म होगा, तो वो अब यहाँ पे ब्लैंक इमेज आपको दिखाई देगी नहीं, जस्ट ब्लैंक आप पे ब्लैंक आ जाएगा और वहाँ पे वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ये प्रैक्टिकल जो था वो प्रैक्टिकल यहाँ पे पूरा हो गया। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा व्हाट्सएप पर, इसके बारे में जो है वो लिंक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल के वीडियो आते रहेंगे, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रिवाइज करते रहना, और ये आपके जो वीडियोज़ है आपको अभी काम आएंगे लॉकडाउन में और आगे फ्यूचर में भी। थैंक यू ऑल।